हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग का J7 J2 में अक्सर जो प्रॉब्लम आता रहता है उसके बारे में, जो कि है पावर स्विच का प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, हमारे J2 J7 में जो है पावर स्विच का प्रॉब्लम अक्सर आता रहता है। पावर स्विच कई बार सही होता है, लेकिन उसका लाइनिंग में, उसका करंट सप्लाई में जो है ब्रेक ब्रेक हो जाता है। उस ब्रेक के कारण हमारा पावर स्विच जो है काम करना बंद कर देता है। अभी फिलहाल मेरे पास एक मोबाइल आया हुआ है, उसमें जो कि है पावर स्विच को प्रेस कर करके, जो काम नहीं कर रहा था बोलकर प्रेस करके, इसमें से जो है पावर स्विच ही उखड़ उखड़ चुका है। अभी जो है मैंने एक कीपैड का जो है मैंने सिस्टम जुगाड़ करके मैंने अभी इसमें स्विच का जो है सिस्टम कर दिया हुआ है। अभी तो इसमें प्रॉपर करंट आ रहा है, लेकिन इधर से जो है पावर स्विच में जो है करंट यहाँ से नहीं पहुँच पा रहा है। पावर स्विच में अभी तक तो यहाँ से मतलब करंट नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखा था यूट्यूब में, लेकिन इसके बारे में जो है करंट इधर से क्यों नहीं आ रहा है, कैसा प्रॉब्लम है, कहाँ से करंट ब्रेक हो रहा है, उसके बारे में नहीं बताया जाता है। मैंने काफ़ी वीडियो देख चुका है पहले भी, तो आज मैं इसी के बारे में जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि इधर से करंट इधर में यहाँ पे कैसे सप्लाई आएगा और मतलब क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। वीडियो में बने रहिए। अभी हम कहीं से भी, जैसे कि ये ग्राउंड, एंड हम अभी यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें रीडिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और अभी हम इस साइड में जो देख रहे हैं, इस साइड में भी कोई हमको रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी, मतलब कोई भी रीडिंग दोनों तरफ में ही नहीं दिखा रहा है। तो हम लोगों को क्या है कि इसमें हम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इसमें हमारा करंट ही नहीं मिल रहा है, तो हमारा पावर स्विच वर्क कैसे करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, इसमें जो है करंट कहाँ से लिया, मतलब कहाँ से दिया जाए एंड हमारा जो है पावर स्विच वर्क करना शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए वीडियो को। आप लोगों को दिखा सकता हूँ फ्रेंड्स, इसमें जो है एक पत्ती रहता है, इस पत्ती को हम लोग पहले से ही कट कर चुके हैं। इस पत्ती को कट करने के बाद आप लोग इधर पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर से हम लोगों को ये जो कनेक्शन है फ्रेंड्स, ये कनेक्शन आप इस साइड के जो है, इसमें भी करंट नहीं मिल रहा है, इसमें भी करंट नहीं मिल रहा है ना, तो इस साइड से जो है करंट हम डायरेक्टली बैटरी की पिन का प्लस से ही डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मोबाइल के लिए शॉर्ट होने का मतलब चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग जो है डायरेक्टली इधर से जम्पर नहीं लेना है हम लोगों को। इसमें आपको दिखा सकता हूँ मैं ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर का इस साइड से जो है, फोकस नहीं हो रहा है, हाँ, इस साइड से जो है हम लोगों को एक जम्पर लेना है। इस जम्पर को जो है हमको यहाँ से लेकर के यहाँ पे जो है जम्पर को देना है, इस मोड़ से लेकर यहाँ तक एक जम्पर जो है हम लोग को देना है, ताकि हमारे यहाँ तक कनेक्शन करंट जो है पहुँच सके। एंड दूसरी तरफ जो है हम लोग को इस तरफ भी कनेक्शन, हम लोग को इस तरफ भी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो इस तरफ का भी कनेक्शन कटा हुआ है। तो हम लोगों को इसको बोर्ड को घुमा लेना है। बोर्ड को घुमा लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं इधर में जो है एक स्मॉल सा आपको जो है रेजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, ये होगा रेजिस्टेंस है, हाँ। इसको ये अगर नहीं रहता है तो आप कहीं से भी इसको देख के इसका मैचिंग का जो है रीडिंग का जो है रेजिस्टेंस लगा लीजिएगा। एंड अगर है तो इस मोड़ से आप लोग एक जम्पर ले लीजिएगा, जम्पर कर लीजिए, आपको नज़र आ रहा है, मैं फोकस कर लेता हूँ, यस। यहाँ से जो है आपको इस वाले मोड़ से जो है आपको एक जम्पर लेने के बाद इस जम्पर को जो है इस तरफ में इस साइड में जो है हम लोगों को जम्फरिंग को फिक्स कर देना है। तो चलिए वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ और जम्फरिंग कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसा किया है मैंने। तो ऑल राइट फ्रेंड्स, मैंने जो है जम्फरिंग कर लिया है, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं। ये जो मैंने आपको बताया था कैपेसिटर के इस मोड़ से लेकर के मैंने यहाँ तक जम्फरिंग किया हुआ है, कैपेसिटर का यहाँ से इस मोड़ से लेकर के मैंने जो है यहाँ तक जम्फरिंग कर दिया है। और इसका पीछे का जो है, मैं इसका पीछे का जो है ये स्मॉल सा रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं आप, ये स्मॉल सा रेजिस्टेंस, इससे हमने जो है जम्फरिंग ले लिया है। इससे जम्फरिंग लेके फिर यहाँ तक जो है, इधर से फोकस नहीं हो रहा है यार, यहाँ से जो है जम्फरिंग कर दिया।
तो अभी जो है आपको हम रीडिंग चेक करके दिखा रहे हैं। पहले जो है आपका रीडिंग दोनों तरफ में ही जो है बिल्कुल जीरो दिखा रहा था, तो अभी का जो है रीडिंग आप हमको दिखा रहे हैं आपको। तो अभी का जो है रीडिंग आप देख सकते हैं, देखो इस पे जो है डाउन में रख दिया है, एंड अभी जो है एंड ये देखिए आपका जो है रीडिंग दिखा रहा है 320 समथिंग कुछ दिखा रहा है। एंड इस इधर में जो है रीडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि इधर में रीडिंग नहीं दिखाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का जो आउटपुट होता है वो रीडिंग नहीं देता है। तो इधर में जो है रीडिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसमें जो है करंट जो है सप्लाई हो रहा है इसमें। तो अभी आपको रीडिंग दिखा दिया है। उसके बाद जो है मैंने इसका जो है स्विच मेरे पास था नहीं, तो रहता तो लगा भी देता, लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं। तो मैंने एक क्या किया है कि कीपैड का जो है एक पत्ता को उखाड़ के साइड में जिससे जो है पत्ता है उसको उखाड़ के जिसमें इसमें दो वायर का जो है कनेक्शन करके जो है मैंने एक स्विच का स्विच को बना दिया है। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करते हैं एंड ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। स्विच की वजह से जो है ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। एंड ये स्विच लगाया था मैंने, आपको दिखा भी देता हूँ मैं स्विच, एक स्विच लगाया था मैंने, उस स्विच से भी स्विच भी ख़राब हो गया, तो उसको मैंने कहीं पे इधर पे रख दिया था। एक मिनट, ये जो स्विच है इसको भी मैंने लगा के देखा था, इसमें नहीं हो पाया। इससे इसमें क्या हो गया कि इसका जो है पिन जो है ख़राब हो गया है, और ये जो है स्प्रिंग इसका जो है अंदर का कुछ हो गया है सर, इसका ये ख़राब हो गया स्विच, तो इसलिए इसको नहीं लगा रहा हूँ मैं इधर पे, एक साइड से दूसरा एक स्विच लगा दिया है। चलिए इसे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो चलिए इसको चेक करते हैं एंड देखते हैं, लाइव चेक ही कर देता हूँ मैं अभी, तो ऑन बोर्ड ही चेक कर देता हूँ। इसको चेक करके देखते हैं, चलिए इसको मैं बोर्ड में फिक्स कर रहा हूँ अभी फ्रेंड्स। ओके, इसको हम जो है डिस्प्ले के पत्ता को जो है हम लगा देते हैं। इसके बाद जो है हम इधर में हेडफोन एंड आपका माइक्रोफोन का जो है जैक को भी इसमें हम फिक्स कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।